एक क्रिप्टो बड़ी कैसे, और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भारत सरकार अब क्रिप्टो रेगुलेशन की ओर आगे बढ़ रही है। अब धीरे धीरे इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रही हैं। अब आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज पर भी 1% टीडीएस के साथ 30% प्रॉफिट टैक्स यहाँ पर लगने वाला है। पहले एफयू ने यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल एक्सचेंजों को बैन किया था, जिसमें बाइनेंस, क्यूकॉइन, गेट.आईओ थी, बट अब धीरे धीरे वो इसको रजिस्टर्ड कर रही है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम क्यूकॉइन ने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया था एफयू में, अब यहाँ पर बाइनेंस भी $2 मिलियन की यहाँ पर जुर्माना देकर अपने आप को भारत में रजिस्टर्ड करवा चुकी है। अब देखना यह है कि बाइनेंस में 1% का TDS और 30% का टैक्स यहाँ पर कब शुरू होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक भाई को मोटिवेट करता रहता है। और जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ के साथ ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम वहीं पर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आज से 2 दिन पहले यहाँ पर एक न्यूज़ आई कि बाइनेंस ने अपने आप को एफयू के अंडर रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब भारतीय एक्सचेंज बिल्कुल धड़ल्ले से अब इंटरनेशनल एक्सचेंज का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आज से 2 दिन पहले यहाँ पर न्यूज़ आई कि बाइनेंस ने अपने आप को एफयू के अंदर यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा लिया और 2 मिलियन का जुर्माना देकर। अब आपको बाइनेंस पर ट्रेडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। बाइनेंस काफ़ी बड़ी एक्सचेंजों पर आता है, जहाँ पर आपको हर तरह का कॉइन यहाँ पर मिल जाता है। क्यूकॉइन और बाइनेंस दोनों ने यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा लिया है। बट मुद्दा यहाँ पर यह है कि अब जब ये रजिस्टर्ड हो गया है PMLA एक्ट के दौरान, तो अब जो TDS है वो भी आपका लगना शुरू हो जाएगा। अब वो कब लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब बाइनेंस यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगा कि हम अगले महीने से इस तारीख को यहाँ पर TDS शुरू कर रहे हैं, तब आपका TDS लगना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल देना पड़ेगा जो आप दे रहे 1% का TDS। पर बाइनेंस जो अपने आप से काटेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर उसी दौरान लगेगा जब अनाउंसमेंट यहाँ पर हो जाएगी। अभी आपको 1% TDS बाइनेंस के द्वारा नहीं कटने वाला, और ना ही बाइनेंस के द्वारा डेटा आगे प्रोवाइड करवाया जाएगा। बट जो डेट दे दी जाएगी उसके बाद प्रोवाइड करवाया जाएगा, पिछला डाटा नहीं करवाया जाएगा जो आपने पिछली ट्रेड की है। पर अगर कोर्ट की यहाँ पर इनको सम्मन आता है तो ये आपका डेटा दे सकते हैं, पर ये सबका नहीं देंगे, जिसका सम्मन आता है, जो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर बाइनेंस में आपको INR पेयर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर अगर आप INR पेयर में कोई क्रिप्टो को खरीदते हो तो आपको यहाँ पर TDS नहीं लगेगा, पर अगर आप सेल करते हो तो आपको TDS लगेगा। उसी दौरान अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो यहाँ पर बाय करते हो तो आपको 1% TDS लगेगा। अगर क्रिप्टो टू क्रिप्टो सेल करोगे तो आपको 1% लगेगा, यानी कि USDT के थ्रू कुछ भी बाय सेल करोगे तो आपको बाय पर भी TDS लगेगा और सेल पर भी यहाँ पर लगेगा। पर यहाँ पर P2P की बात की जाए, अगर आप P2P से क्रिप्टो को खरीदते हैं तो आपको बाय पर कोई TDS नहीं लगेगा, पर यहाँ पर अगर आप सेल करोगे तो आपको यहाँ पर TDS लगेगा, वो कि 1% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट TDS आपका रिफंड भी हो सकता है अगर आपने जो ट्रेड करा, जो प्रॉफिट आपका यहाँ पर 30% है, वो TDS से अगर ज़्यादा हुआ तो आपका TDS यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपका TDS यहाँ पर देना होगा, अगर आपका 30% टैक्स यहाँ पर TDS से कम होता है तो। ठीक, जो पॉजिटिव साइन है वो ये हो जाएगा कि अब बाइनेंस जैसी ऐप्स आपको मिल जाएंगी। इंडियन एक्सचेंज के यहाँ पर दिवाले लगने वाले हैं, क्योंकि लोग अब इंडियन एक्सचेंज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब सभी लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा है और 1% का TDS वो इंडियन एक्सचेंज भी ले रही है, तो लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज पर देंगे। तो मेरे हिसाब से पर्सनल लेवल पर मैं इंडियन एक्सचेंज को इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तो अभी भी नहीं कर रहा था, तो हम इंटरनेशनल को ही करेंगे। 1% का TDS सरकार ने लेना है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इंडियन एक्सचेंजों को थोड़ा सा यहाँ पर झटका लगेगा, तो हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंज उतना यहाँ सर्वाइव ना कर पाए, बट कुछ एक्सचेंज जो सर्वाइव कर पाएंगी। अब अगर जब बात करते हैं कि जब ये रजिस्टर्ड हो गया एफयू के अंडर, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यहाँ पर P2P UPI इनके द्वारा भी आपको क्रिप्टो खरीदने का यहाँ पर मौका मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन भी है। तो आपको क्या लगता है कि बाइनेंस ने एफयू के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के क्या अच्छा किया है कि नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भाइयों की प्रतिक्रिया ये है कि भारतीय क्रिप्टो उपभोक्ताओं के लिए भारी जीत नहीं है, ये एक उम्मीद थी जो तोड़ दिए। और उसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि वेलकम बैक बाइनेंस, उसके बाद बाकी भारत सरकार को टैक्स 5% ही करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही इन्होंने बोली कि टैक्स जो 30% है वो कम करना चाहिए, ताकि लोग बढ़ चढ़ कर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, 1% के TDS की भी टेंशन ना हो, और टैक्स देते हुए भी किसी को कोई यहाँ पर टेंशन ना हो। अगर आपको भी लगता है कि टैक्स कम होना चाहिए तो #reduce crypto tax आप नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट की भी, लाइट लिंक, जो कि एथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस
आप गैसलेस ट्रांजेक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप डेली ट्रांजेक्शन की बात करो तो 1 लाख से भी ज़्यादा इनकी डेली की यहाँ पर ट्रांजेक्शनें हैं और यहाँ पर गैसलेस का दावा किया जा रहा है, यानी कि आपकी जो गैस फीस है वो बिल्कुल कम लगने वाली है, यानी कि ना मात्र होगी, जीरो होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो गई और इतनी फास्ट होगी कि बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ईजी एंड स्मूथ यहाँ पर लगेगा। अगर हम बात करते हैं कि गैसलेस ट्रांजेक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि एथेरियम पर जाते हो तो आपको 50 से 100 डॉलर लगती है, बाकी लेयर टू में भी आपको 1 से 2 डॉलर लग जाती है अगर हाई हो जाए, बट इसमें ऑलमोस्ट यहाँ पर गैसलेस बोला, यानी कि आपकी जो गैस फीस है वो यहाँ पर लगेगी ही नहीं। और दूसरी ओर यहाँ पर लाइट लिंक ने सेलेस्टिया के साथ भी इंटीग्रेट किया है। सेलेस्टिया, जिसको यहाँ पर सोलाना किलर भी बोला जाता है, उसका टेस्टनेट यहाँ पर सेलेस्टिया में आपको देखने को मिलता है। सेलेस्टिया में यहाँ पर आप कोई भी डैप्स को यहाँ पर डेवलप कर सकते हो, जैसे कि सोलाना में क्या होता था कि सोलाना में आप उन्हीं की डैप्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते थे, बट सेलेस्टिया यहाँ पर आपको मौका देता है कि कोई भी बंदा यहाँ पर अपनी खुद की ब्लॉकचेन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है टेस्टिंग के लिए और मेननेट के लिए भी। और दूसरी ओर यहाँ पर लाइटलिंक चैन यहाँ पर पार्टनर है एनिमिको ब्रांड्स के। एनिमिको यहाँ पर वेब 3 गेम में काफ़ी बड़ा नाम है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी गेम आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि गाला की अगर बात की जाए तो गाला काफ़ी ट्रेंड पर गया था, बट अगर गाला की अभी की बात करें तो उनकी टीम्स की वजह से दिक्कत आ गई, नहीं तो प्रोजेक्ट वो भी बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पर दूसरी ओर यहाँ पे एनिमिको ब्रांड्स को आप देख सकते हो, जो कि एक हाई ट्रेंड के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर इनके साथ पार्टनरशिप हुई है तो गेमिंग सेक्टर पर लाइट लिंक का भी एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर योगदान हो सकता है। और साथ के साथ यहाँ पर लाइट लिंक का ओपन सोर्स कोड भी आप देख सकते हो, जहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि जो Layer 1 to Layer 2 कैसे इसको गैसलेस बनाया गया, कैसे वैलिडेटर के थ्रू आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर गैसलेस हो जाती है। और साथ के साथ L2 बीट प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये लिस्टेड हो चुका है। अगर आप कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो लाइक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, वो यहाँ पर L2 बीट के माध्यम से आप इजीली यहाँ पर ले पाएंगे। और दूसरी ओर अगर आप इनके टोकन को यहाँ पर बाय करना चाहते हो तो फाउड फाउंड्री में इनके टोकन की यहाँ पर सेल चल रही है, आप एथेरियम के माध्यम से यहाँ पर खरीद सकते हो। फाउड फाउंड्री में काफ़ी लोग, अगर आप देखेंगे LBT ट्रेड हिस्ट्री की, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं और ये 3 दिन बाद यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और एथेरियम के माध्यम से आप इसको ले सकते हैं, यानी कि मेन एथेरियम नेटवर्क से। इनका जो यहाँ पर टोकन यहाँ पर रेज कर रहे हैं 50 मिलियन के, जिसमें 7.9 मिलियन यहाँ पर टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसका प्राइस है 0.079 और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसको अभी के समय पर ख़रीदना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर एथेरियम WETH के माध्यम से इसको खरीद सकते हो। अगर आपके पास अदर कोई और कॉइन भी है तो उसके माध्यम से भी आप इसको खरीद सकते हो एज अ अप्रूवल ट्रांजेक्शन देकर, आपको उसके बदले यहाँ पर लाइट लिंक के यहाँ पर टोकन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देन आप इसको जैसे ये लिस्ट होगा देन आप उसको सेल कर सकते हो। और दूसरी ओर यहाँ पर एक और रूमर्स भी उड़ के आ रहा है कि जिन लोगों ने TIA और PYATH टोकन यहाँ पर स्टेक किए हैं उनको यहाँ पर लाइट लिंक का एयरड्रॉप मिलने वाला है। तो अगर आपने स्टेक किए हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर फ्री में लाइट लिंक टोकन भी इनके मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ट्विटर टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पर आते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।